हनुमानगढ़ में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजयुमो नेता देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि युवा पीढ़ी और मजदूर वर्ग नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशा कारोबारियों पर पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और इस पर ठोस कदम उठाने और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग ज्ञापन में की गई है। ड्रग्स का नशा और चिट्टे का नशा बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहा है और इससे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हो रहा है तो युवा वर्ग हो रहा है। और आज हम एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मिले हैं कि अब इस नशे से पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो रही है। जो फलता फूलता परिवार था उनके नौजवान बेटे काल के ग्रास में जा रहे हैं, तो समाज की भी इसमें निश्चित रूप से भूमिका होनी चाहिए। लेकिन एसपी साहब को हमने कहा भी जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, जो नशे का खुला धंधा कर रहे हैं सरेआम, तो ये भी नहीं है। कभी पुलिस को भी पता है कहाँ से क्या कुछ हो रहा है, तो पुलिस अगर सख्ती से कार्रवाई करे, प्रशासन अगर सख्ती से कार्रवाई करे तो इस पे रोक लगनी चाहिए। और हम भी हमारे युवा मोर्चा की तरफ से, हमारे संगठनों की तरफ से गांव-गांव गली में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। और मेरी आपके माध्यम से समाज के लोगों से भी अपील है कभी हम हमारे बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि नशे का बहुत जबरदस्त कारोबार एक इतनी दुर्भाग्यजनक स्थिति है जिसकी कोई सीमा नहीं।